जनता जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो नीतियां हैं और जो कार्यक्रम हैं उन नीतियों कार्यक्रम विस्तार रख के जनता की भावनाओं जो है पहचानने की कोशिश देखिए 23 मई के बाद ही होगी। हालांकि यह है कि जो नीतियां लागू हुई हैं उन नीतियों से जनता प्रभावित है, उन नीतियों से प्रभावित होकर जनता मतदान कर रही है और मतदान में जहां तक मुझे विश्वास है कि बीजेपी को कोई पकड़ नहीं पाएगा, बीजेपी अग्रणी रहेगी क्योंकि ये नीतियाँ जन जन तक है। ऐसी किसी भी वर्ग का हो चाहे सामान्य वर्ग का चाहे किसी वर्ग का मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री नीतियों से प्रभावित है, उन नीतियों को प्रभावित होकर जो है मतदान कर रहा है। समाजवादी पार्टी से एक परिवार के कई अलग अलग बिखरे टुकड़े हुए हैं, बसपा बनी सपा बनी, आप भी कभी समाजवादी पार्टी से रहे, तो क्या लगता है इस क्षेत्र का कितना वोट समाजवादी पार्टी का बिखरेगा और किस किस पार्टी को कितना जाएगा और आपको कितना फायदा होगा? देखिए इस इन चीज़ों में हम विश्वास नहीं रखते कि कौन किसका है क्या है, उनकी नीतियाँ वो अपनी जगह पे जाएँ, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, हम अपनी नीतियों पे साथ रखते हैं, हम ना उनके परिवार के ना उन चीज़ों से हमारा कोई लेना देना, हम तो सिर्फ जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के साथ रख के कार्य कर रहे हैं। और जो भावनाएं हैं आज किसानों की, नौजवानों की, गांव की और जो है खेत खलिहान मजदूरों के जो लिए काम कर रहे हैं, किसानों के हित के जो काम कर रहे हैं, किसानों के मजदूरों के हित में काम कर रहे हैं, उन नीतियों से जनता प्रभावित है, जन जन तक विकास के कार्यों में विश्वास रखती है। अगर कहीं कोई इस तरह के वातावरण पैदा नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का पूरा पालन हो रहा है, अननेसेसरी कोई परेशान नहीं हो रहा, जनता चाहती है सुख शांति और समृद्धि, आज प्रधानमंत्री जी की नीतियों में विश्वास रख के सुख शांति और समृद्धि की और खुशहाली की बातें हो रही हैं। आज खुशहाली और शांति से जो काम करना चाहता है आदमी चाहता है आजकल शांति से जीना, कि उसे सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, खुशहाली हो, उन्नति हो, उन चीज़ों में विश्वास रख के काम कर रहा है। बाकी की सब चीज़ें जो है 23 मई के बाद रिजल्ट आएगा तो हमें आपको सबको पता चलेगा कि हम किस तरह से ये जो है कि हम नीतियों के साथ रखें जनता के जन जन तक जो भावनाएं पहुंचाते हैं, अब जनता उसका रिजल्ट देगी। 23 तारीख को आएगा, आपको पता चल जाएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियाँ हैं कितनी अच्छी हैं।